हेलो गाइस, कैसे हो? तो दोस्तों, यूएई दुबई में आप रह रहे हो और आपके पास इमरत आईडी है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, ये खबर पूरा देख लेना, नहीं तो आपके साथ बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट ने दोस्तों एक ऐसा अपडेट जारी किया है और बताया है कि अगर इस तरह का चीज़ आप नहीं करते हो दोस्तों, तो आप मुश्किल में पड़ सकते हो। तो दोस्तों, हुआ क्या कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब हमारा मालिक किसी भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, तो 2 साल का लगभग यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगता है। पहले दोस्तों 3 साल लगता था, बट दोस्तों अब 2 साल का वीज़ा लगता है। तो उसमें वीज़ा लगने के बाद दोस्तों हमारा इमरत आईडी बनता है। जब तक नहीं इमरत आईडी हमारा बने, तब तक हम दूसरे कंपनी में काम नहीं कर सकते। क्योंकि हम कंपनी में जाते हैं, वहाँ पर हमारे सेफ्टी ट्रेनिंग होता है, इंश्योरेंस का वो लोग पेपर देखता है, उसके बाद हमें काम लगता है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ने फाइनली ये ऐलान कर दिया और बताया है कि जिसके पास भी इमरत आईडी है, तो आप अगर कैंसिल जा रहे हो या छुट्टी में भी 1 साल पर जा रहे हो दोस्तों, तो वो इमरत आईडी छुट्टी जाने के टाइम दोस्तों आपको लेकर जाना है, वापस आना है, तब ये बात याद रखना। बहुत सारे लोग इसे नेगेटिव वे में ले लेंगे। जब आप 1 साल पर छुट्टी जा रहे हो और वापस आपको रिटर्न आना है दोस्तों, तो वो इमरत आईडी आपको लाजिम लेकर जाना है, नहीं तो फिर आप इंडिया से ट्रैवल नहीं कर सकते। क्योंकि पहले हमारे पासपोर्ट पर वीज़ा का स्टम्पिंग होता था, बट दोस्तों अब स्टम्पिंग नहीं होता है। तो दोस्तों, जब आप कैंसिल जाओगे यहाँ से, तो वो इमरत आईडी आप अपने कंपनी में आपको देकर जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग, मैं भी दोस्तों पहले क्या का होता था, मैं ऑलरेडी खुद यहाँ पे 12 साल से जॉब कर रहा हूँ, तो मेरे पास भी कम से कम 3-4-5 इमरत आईडी है ऑलरेडी, वो मैं कंपनी में जमा नहीं किया था। बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह का है और इमरत आईडी यहाँ पे नहीं जमा करते थे पहले, बट गवर्नमेंट ने अपडेट जारी करके बताया दोस्तों। ऑलरेडी ये अभी का न्यूज़ नहीं है दोस्तों, 2-3 महीना पहले का, बट बहुत सारे मेरे वर्कर भाई को पता नहीं था। मैं सोचा ये अपडेट जारी करके बता दूँ और ये न्यूज़ बता दूँ ताकि उनको मालूम हो सके। अगर कंपनी आपको इमरत आईडी मांग रही है दोस्तों, तो आप लाजिम इमरत आईडी दे देना। अगर कैंसिल, मान लिया आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, तो इमरत आईडी दे कर जाना। नहीं भी मांग रही है दोस्तों, तो आप उसका अमानत उसे दे देना, क्योंकि ये यूएई गवर्नमेंट इशू करती है। और ये सोचो दोस्तों, तो ये गवर्नमेंट का अमानत है। उसके बाद क्योंकि वो आईडी से यहाँ पे अगर मान लिया आप किसी दोस्त को दे दिए या आपको कुछ खो गया, भुला गया, तो उससे बड़ा फ्रॉड हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ने अपडेट जारी करके बताया है कि अगर आप कैंसिल जा रहे हो, तो जिस कंपनी का आपका इमरत आईडी है, उस कंपनी को उसे सौंप दिया जाए। बाद में दोस्तों वो कंपनी मिनिस्ट्री को सौंपेगी, उसके बाद ही वो लोग, गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। तो ये कुछ जानकारी था, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक, जय।